हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है वॉलपेपर चेंज कैसे करें। और फ्रेंड्स, मेरे पास है सैमसंग का फ़ोन। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। और फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है और इसके बाद आपको वॉलपेपर पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ दिखता है माई वॉलपेपर, आप माई वॉलपेपर पे जाकर सेट कर सकते हैं। गैलरी में से भी जाकर सेट कर सकते हैं चाहे तो। एंड यहाँ से बैक करेंगे और माई वॉलपेपर जाओगे तो डाउनलोड वाला भी दिखता है, यहाँ से डाउनलोड करके सेट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सभी आगे सभी वॉलपेपर है जो मैंने डाउनलोड करके रख रखी है इसमें। और इसमें वैसे वाले दिख जाएंगे आपको, इसे होम करेंगे। एंड इसके बाद आपको आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ, वहाँ से ही आप लगा सकते हैं, उसको प्रेस करके रखना है। इसके बाद आप यहाँ पे वॉलपेपर पे जाएंगे तो सीधा वॉलपेपर पे चले जाएंगे। अगर आपको और भी वॉलपेपर चाहिए डाउनलोड करने के लिए तो आप थीम पे ही जाएं। और इसके बाद आपको यहाँ दिखता है टॉप, आप इस पर जाएंगे एंड वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे, फिर से टॉप पे जाएंगे। और इसके बाद आपको यहाँ देख सकते हैं ये सभी वॉलपेपर है। और आपको जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। और डाउनलोड करना होगा फ्रेंड्स इसके लिए, पर जब आपके नेट हो तभी आएगा ये। तो फ्रेंड्स, मेरे भी नेट है अभी, तो अभी आपको दिखा देती हूँ डाउनलोड करके इसी प्रकार से सेट करेंगे जिस प्रकार से सेट करते हैं फ्रेंड्स। और इसमें आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपके डाउनलोड वाले में मोड में चले जाएंगे। और जैसे यहाँ पे सेट करके बताऊँगी उसमें भी इसी प्रकार से सेट करेंगे आप। और जैसे कि इनमें से मुझे पसंद आए हैं जिसमें फ्री लिखा है फ्रेंड्स, वही आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको ख़रीदना है तो इस पे जाएंगे एंड इस वाले ऑप्शन पे, तो आपको वो ख़रीदने वाले होंगे। और इनमें से भी कोई कोई चीज़ है जो आपको ख़रीदना होगा तो देख सकते हैं, फ्री वाले आप सेट करें। और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे हैं, तो जो भी आपको पसंद है आप वो सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती जो मुझे पसंद आएगा वो सेट कर देती मैं भी। और इनमें से जैसे कि मुझे ये पसंद आ रहा है। और इसके बाद आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इसके लिए, पर इसे हटा देते हैं एंड फ्री वाला ही सेट करना होगा आपको। जैसे कि फ्रेंड्स, मेरे को इनमें से एक ये भी पसंद आया तो हम स्माइली वाला सेट कर देते हैं ये, एंड ये फ्री भी है। और इसके बाद आपका और इस पर क्लिक कर देंगे तो सॉरी फ्रेंड्स, ये फ्री नहीं है, डाउनलोड करना होगा से भी। तो देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है। और इसके बाद आपका अप्लाई का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स, आप होम स्क्रीन पर सेट करना चाहेंगे, लॉक स्क्रीन, या फिर दोनों पर। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ होम स्क्रीन पर सेट करना चाहूँगी और फिर इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका सेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं सेट हो चुका है। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। तो दोबारा सेट करके दिखा देती हूँ, फिर से आप इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से बैक करेंगे। और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं और भी है डाउनलोड करने के लिए। तो आपको जो भी आपको अच्छा लगता है वही सेट करें। एंड मेरे को वही पसंद आया तो मैं वही सेट करके दिखा देती हूँ, जैसे इसी को डाउनलोड कर लेते हैं एक। एंड आप यहाँ देख सकते हैं ये भी डाउनलोड हो रहा है। और इसके बाद अप्लाई का ऑप्शन आ गया है। इसके बाद मैं होम स्क्रीन पर ही क्लिक करूँगी, फिर इसके बाद फिर से क्लिक करें और आपका ये सेट हो चुका है। देख सकते हैं फिर से चेंज हो चुका है वॉलपेपर। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो आई होप आप सोच रहे किस प्रकार से वॉलपेपर चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।